हेलो क्लास 10th, वेलकम इन बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। तो किस तरीके से हम इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसको हल कर सकते हैं, तो ये देखिएगा। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए, इससे पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास में यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो अपॉन ए, तो दैट मीन्स जीरो। क्योंकि किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर जीरो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आंसर जीरो। और जीरो से अगर किसी नॉन जीरो नंबर पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी, अनंत हमारे पास में आएगा। सेकेंड, अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया था। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हमने ये देखना है कि जो एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट हमारे पास में क्या है, बी अपॉन ए, इसको 1/2 से हमने मल्टीपल कर देना है और मल्टीपल करने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो इतनी ही चीज कोफिशियंट ऑफ एक्स के एक्स के कोफिशियंट को आपने 1/2 से मल्टीपल करके और उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सबट्रैक्ट कर देना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। तो देखिएगा किस तरीके से हमने करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। जितना हमने ऐड किया वही चीज हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम एक्स यही रहा, प्लस हमने जो एक्स्ट्रा इसमें किया है एक्स के कोफिशियंट को 1/2 से मल्टीपल करके और उसका स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया है और उतना ही चीज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जितनी चीज हमने ऐड की उतनी ही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने क्या करना है, देखिए यहां से हमारे पास में कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आएगी। ये क्या निकल के आ रही है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो जब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x इंटू बी अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन a टाइम x हमारे पास रह जाएगा, माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए को इक्वल टू के हम राइट हैंड साइड पर लेके चलते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ये हमारे पास में आ गया, जो माइनस में था वो राइट हैंड साइड पर जाके प्लस बन गया और जो प्लस में था वो माइनस बन गया। यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे भी मैं एक्सपेंड कर दूं तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस सी अपॉन a। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, टेक आउट 4a स्क्वायर एज एलसीएम, तो हियर बी बी स्क्वायर माइनस ए से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 4a स्क्वायर हमारे पास में है और a से हमने डिवाइड किया तो a से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास में क्या आ गया 4a, उस 4a से हमने c को मल्टीपल कर दिया तो 4ac, ये हमारे पास में आ गया। यहां पे हमने क्या था, 4a स्क्वायर और a, इसका हमने एलसीएम लिया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से जब हमने 4a स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1 हमारे पास में आया, उस 1 से हमने बी स्क्वायर को मल्टीपल किया तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस
ए से हमने 4a स्क्वायर में डिवाइड किया तो हमारे पास में 4 आया है, उस 4a से c को मल्टीपल किया तो 4ac हमारे पास हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यहां पे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 यहां आके, तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होल पावर 1/2। तो जो 1/2 अगर किसी की पावर है तो उसको हम जो करणी चिन्ह में अगर हम जो उसको सर्ट्स जिसे बोला जाता है SURDS सर्ट्स, उसमें इसको इसका जो साइन हो जाता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जो 1/2 जो पावर थी वो कहां चेंज हो गई, स्क्वायर रूट साइन। अब हमने क्या किया, x प्लस बी अपॉन 2a ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, इक्वल टू इस 4a स्क्वायर को अंडर रूट साइन से हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a। बी अपॉन 2a को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज करें तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे एलसीएम हमारे पास में सेम है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है 2a 2a, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहां से हम जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे और दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, क्योंकि श्रीधराचार्य ने इस पे काम किया था। तो यहां से हम जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।